Salve, 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 salve
तीनों जन एक साथ, हाँ हाथ जोड़िए, यस रेडी बस सर रो कैमरा है तो मोबाइल। माय लेफ्ट योर राइट, देयर आर सीट्स ऑन माय लेफ्ट योर राइट। द वंस राइट इन फ्रंट ऑफ मी हैव बीन ऑक्यूपाइड। मेरे सामने, मुझे पता है जगह भर गई है, एक भी खाली सीट मेरे सामने नहीं है, लेकिन यहाँ गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में घटी घटनाओं पर आधारित है। तो ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है और हाल ही में मेकर्स ने द साबरमती रिपोर्ट का टीज़र रिलीज़ किया है। तो हम इस टीज़र की झलकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर हम इस आयोजन का आरंभ करेंगे। दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजो मयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्माद् दीप यजेत प्रिये। दीप तेजोमय है, दीप से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, दीप जय दिलाता है और इसी वजह से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। दीप की लौ की तरह हम सभी का जीवन प्रकाशमान हो, दिवाली के अवसर पर हम ये प्रार्थना करते हैं। तो देवी और सज्जनों, राशि खन्ना और रिधि डोगरा, साथ ही एनएससी के एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान और उनकी पत्नी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सभी एक बार तालियों की गूंज के साथ इन मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं आई विल रिक्वेस्ट आशीष सर टू प्लीज प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट श्री श्री रामकृष्णन जी, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ बीएससी, टू काइंडली स्टेप ऑन स्टेज फॉर दिस वेलकम ग्रीटिंग एंड फेलिसिटेशन। श्री रामकृष्णन सर प्लीज। प्रेम आदर का प्रतीक इन फूलों का स्वीकार हो रहा है, आइए सर।
इसी के साथ में हम बेल मेमेंटोज भी प्रदान करेंगे हमारे मेहमानों को. सो एज यू कैन सी, this is a mini replica of the big bell that has been placed on the stage, which we will ring at 6 o'clock sharp. Lakshmi Pujan ke paschat Diwali muhurat trading ka jo टाइमिंग है वो 6 बजे का है. ठीक 6 बजे हम काउंटडाउन के साथ एनएससी की ये बेल बजाएंगे. और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इज द बुल मेमेंटो. तो हाल ही में टू बी वेरी प्रसाइज 6 सितंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी के हाथों एनएससी का ये विशेष बुल का इनॉग्रेशन हुआ था. ये एनएससी का बुल जो है, साथ ही जो आम जनता है भारत की, उसे दर्शाया गया है. और ये हम पाते हैं एनएससी में, जैसे ही हम एंटर करते हैं उस पोर्च में है, कोन बिल्डिंग के कोने पर भी है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर. Vikrant, Rashi and Riddhi from the Sabarmati reports, the 3 stars of the Sabarmati report. And the first question would be, maybe we just saw the teaser just now. So the teaser, as we all know, has created quite a buzz among the film goers and the general audiences. But at the same time, काफ़ी सारे लोगों को इस घटना के बारे में शायद पता भी नहीं था, बिकॉज इट इज़ वे बैक 2002. अभी यंगर जनरेशन भी हमारे साथ है, कुछ 22 साल इस घटना को हुए हैं. तो बट इन स्पाइट ऑफ दैट, द टीज़र हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. आई वुड लाइक एनी वन ऑफ यू टू आंसर दिस वन, कि हाउ एक्साइटेड. आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर फिल्म, बट वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर एक्साइटमेंट अबाउट द रिलीज ऑफ दिस फिल्म. एनी वन, take a pic. Firstly, thank you so much for having us over here. It is truly a moment of honor for all of us, from everyone, from Team Sabarmati, to be here. And as you said it so rightly, one of the first reasons why we thought we should make this film is because mere khud ke ghar mein 13-14 saal ki nieces hain, unko is ghatna ke bare mein nahi pata. It happened way back 22 years ago, and as we said in the teaser, जैसे अमेरिका का 9/11 हुआ था, स्पेन के ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, a lot of us, we remember those events बहुत ही आसानी से. पर 27 फरवरी को क्या हुआ था ये जनरेशन नहीं जानती है. One of the reasons why the producer of this film, Ekta Kapoor, and all of us got together to make this film is primarily because of that, because it was such a pivotal point in the socio-political fabric of our country. We felt it was imperative that we make a film honoring especially those unfortunate 59 people who lost their lives. Bahut sari cheeze logon ne banayi hai, the unfortunate riots that happened after the Sabarmati Express. बहुत उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आप चले जाएंगे आपको मिल जाएगी. बट वॉट एग्जैक्टली हैपेंड टू कोच S6 एंड S7 उसके बारे में कोई नहीं जानता. सो हियर इज एन अटेम्प्ट, एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट फ्रॉम आवर एंड टू रिमेंबर दोज 59 पीपल एंड ऑल्सो रिमेंबर विद एब्सोल्यूट फैक्ट्स कि मीडिया का क्या रोल रहा है इसमें. इट इज अ वेरी सेंसिटिव फिल्म. यस वी आर एक्साइटेड, वी आर स्टोरी टेलर्स, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वी आर अ लिटिल नर्वस, बिकॉज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट दिस फिल्म विद एब्सोल्यूट फैक्ट्स. एंड हियर इज एन अटेम्प्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू ब्रिंग आउट टू लाइट सर्टन थिंग्स विच नोबडी नोज अबाउट. सो वी आर होपफुल कि 15 नवंबर को आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएंगे, आप लोग ये फिल्म देखेंगे और आप लोग फिल्म पसंद करके चर्चा भी करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
and I hope you go to your nearest theaters on the 15th of November and watch this film, which we've made with absolute love and dedication. Thank you so much. I will take a sub question from this. So you had your last theatrical release a year back around the same time. I remember this was 12th Fail Film Thi, or it was much appreciated by all, by critics, by audiences, by all of us. So usme bhi aapne ek real life par based wo film bhi puri ki puri thi, aapka kirdar bhi waise hi tha. Again, this, you all three of you are playing journalists. So isme bhi aap ek inspiration based role play kar rahe ho, kirdar nibha rahe ho. To any particular reason, yaar, how do you relate to the two things? I am coming back to cinema screens after a year. I don't know. I'm hoping that people get inspired by the characters that I do, by the stories I tell. I also want to entertain, but I also want to inspire. I also want to inform people. I love my job. I am an actor. You know, primarily I see myself as a storyteller. So through the parts that I play, through the stories that I tell you, agar bacche is desh ke, jo hamara future hai, agar wo inspire hote hain, so I think I will end up dying a happier person if even two people are inspired by what I contribute through the medium of my work. Main aur kya hi kahun? You know, I'm hoping that people get inspired even by what I've done in this film or what these wonderful actresses have done in this film. जैसे 12th फेल में मैंने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी, उसी तरह से यहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि सच्चाई को हमें अपने साथ लेके चलना होगा. सच्चाई को आप कितना भी छिपा लें, कितना भी दबा लें, कभी ना कभी वो बाहर आती ही आती है. सो यही है कि अगर हम थोड़ी सिंसेरिटी रखें अपने जीवन में, ऑनेस्टी रखें, तो कहीं ना कहीं यू नो हम सबका ही अच्छा होगा. All right. So coming to yes, Rashi. Now you have also played. The three of you are journalists. You have played a very honest. All three of you have played an honest journalist. So, imandar patrakar ka kirdar nibhane ke liye kuch vishesh tayari, some special preps, and how difficult it is, how challenging it is. Firstly, a very good evening to everyone, and a very happy Diwali. We've also learned that NSE has completed 30 years today, so congratulations for that. Thank you so much for having us, and I think you guys are the backbone of our economy. I hope you guys keep growing and we grow with you all. Coming to your question, ma'am, before I answer that, I think I want to add something to what Vikrant has just said about the generation knowing about this incident. I think it's not just the 13 and 14 year olds, but also our generation, जो बहुत ही confused थी, क्योंकि ये जब हुआ था तो इतने सारी news में हम देखते थे. I think there was a lot of confusion around what happened, how it happened, and this I think is a sincere and an honest effort by our team, जिन्होंने हमारे लिए as actors बहुत आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें facts already present करके दिए. They have worked rigorously for a year, and जब मैं ये script पढ़ भी रही थी तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली जो शायद मुझे पता ही नहीं थी. And that's why I think this film is so, so important, because it's shaped our nation. I'm very proud to be a part of this film. And as a journalist, जैसे आप कह रहे थे कितना honesty होती है एक journalist में, I think ये हमारी writing में है. In the way the characters have been written, I think the writers have made it very easy for us to perform. We have tried to do it as honestly as we possibly could, and ab it's all in your hands. I hope you guys come watch the film. It is an infotainment. You will be entertained, and there'll also be so much of information. And jaise Vikrant ne kaha, aap iske bare mein charcha zarur karenge is film ko dekhke. So I think that's the biggest takeaway from our film. I hope you guys love it with all the love that we've made it. Thank you so much. Thank you. Rashi ne credit to lekhak ko diya hai, lekin I'm sure all the actors have done enough and more justice to their roles and to the writings. I will now request Ashish sir, ma'am, to please come up on stage. Well, we'll continue our session after the ringing of the bell, because muhurat jo hai wo 6 baje ka hai. To ye Diwali trading ka muhurat hamari annual parampara rahi hai, varshik parampara hai. Hum ise theek 6 baje के पहले 10 सेकंड का काउंटडाउन होगा. आप सभी मेरे साथ काउंटडाउन की गिनती में शामिल हो जाएंगा. जॉइन मी इन चीयरिंग व्हेन द कस्टमरी 10 सेकंड काउंटडाउन बिगिंस. वी आल्सो हैव श्री राम सर विद अस.
सो जब 6 को 10 सेकंड बाकी होंगे स्क्रीन पर हमें काउंटडाउन दिखेगा. A very challenging role. Is it, and again, an honest journalist in this forthcoming film. So is it some kind of a conscious decision that you make? Yes, I have to play roles in which I make an impact or a very truthful and a very honest character is what I would like to play all my life. Path-breaking characters. What is it? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू NSE हमें यहाँ बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच मैम, यू आर ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब. एंड मुझे ऐसे लग रहा है आज दिवाली के दिन लक्ष्मी की गोद में आके बैठ गए हम. सो इट्स अ रियली रियली ऑस्पिशियस स्टार्ट ऑल्सो हमारी फिल्म की प्रमोशन के लिए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड सेकेंडली जो आपने कहा, हाँ मैं चैलेंजिंग रोल्स ही करती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ही कंटेंट इंसान हूँ. तो अगर मुझे घर से निकलना है तो मुझे चैलेंज होना है, वरना आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल शुड टेक बैक होम. आई थिंक एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट रिद्धि हैज कन्वेड इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट स्पैन ऑफ अ सेंटेंस. आई एम टेकिंग दिस फर्दर. सो यू लव टू डू चैलेंजिंग रोल्स, एल्स यू विल प्रॉबली नॉट. बट अगेन दिस फिल्म इज चैलेंजिंग, द टॉपिक इज चैलेंजिंग. बहुत ही एक महत्वपूर्ण अहम विषय पर यह फिल्म बनी है. क्यों? Why this film? Why not? I mean anybody can answer. Open question. No, I would like to yes, know please, why please, not? Please, please. No, जैसा कि विक्रांत पहले भी कह चुके हैं, यू नो मैं एक बात बताऊंगी. मैं बेलग्रेड गई थी ईस्ट यूरोप, और वहाँ पे मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कभी हुआ होगा, और वो बिल्डिंग्स वैसी की वैसी ही हैं. बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनकी, और राधा वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग याद रखें कि उनके साथ क्या क्या हुआ है. तो आई थिंक ये कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों तक, नई जेनरेशन, ओल्डर जेनरेशन, और जैसा कि राशि और विक्रांत दोनों ने कहा कि एक क्लैरिटी, फैक्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसने हम सबको इतना हिला दिया था, हम सबको शेक कर दिया था एज अ नेशन, बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक ये फिल्म क्यों बनी से ज़्यादा मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्यों ना बने, बिकॉज मुझे तो लगता है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए. और द साबरमती रिपोर्ट बहुत आई वुड से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनी है. जो रिसर्च हुआ है वो आज तक रिसर्च कर रहे हैं, यू नो इवन अभी भी हमें बताने के लिए दे सेड, द टीम सेड, वी विल क्रॉस चेक विद आर रिसर्चर्स एंड लेट यू नो. सो दैट इज़ द सीरियसनेस विद विच हम ये स्टोरी, पूरी टीम ये स्टोरी बताना चाहते हैं. तो आई थिंक अगर दिल से, शिद्दत से और यू नो सीरियसनेस के साथ कोई काम किया जाए तो क्यों नहीं. Of course, of course. Would you like to add on something, Rashi Vikrant, any one of you? I think we all believe the same thing, and I think as actors we look for that challenge, as Riddhi said. But more than that, for me it was more about the story being told, a story that everyone's always heard of but hasn't had the clarity about. So I think that's what pushed me into this film. एंड वो सोने पे सुहागा होता है जब आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है, जैसे हम सबका है. तो आई थिंक इट्स अ प्लस फॉर एनी एक्टर टू हैव दिस इन देयर फिल्मोग्राफी. एज वी आर रैपिंग दिस अप, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम विक्रांत? नो, एज ऑल ऑफ अस यू नो हैव फेल्ट वेरी स्ट्रांगली, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर टू बी हियर ऑन दिस स्टेज. बहुत खुश हैं आप सबके साथ बैठने का मौका मिला. एंड as Rashi also said, NSE is or has completed 30 proud years, and onwards and upwards. You know, this is a very special film for all of us. To umeed ye hai ki jitni sincerity ke sath humne ye film banayi hai wo logo tak pahunche. So yeah, I really hope that all of you know take out your valuable time. और आप लोग सब 15 नवंबर को जाएं अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म देखें. एंड लास्टली एज ऑल ऑफ अस हैव बीन सेइंग, यू नो दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट चेंज्ड द एंटायर सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप इन आर कंट्री. एंड नोबडी, एंड यू नो आई हैव नो क्वाम्स इन एडमिटिंग, इट्स अ शेम दैट नोबडी हैज एवर अटेम्प्टेड टू टॉक अबाउट द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम.
और ये अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज ने, न्यूज़ पब्लिकेशंस ने, सब ने बहुत अपनी टिप्पणियाँ दी, ख़ास तौर पे 2002 से 2007-08 के बीच में। पर जब हमारे उच्च न्यायालय ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को स्पष्ट किया, उसके बाद उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मीडिया जो है, एक आम आदमी रोज़ सुबह उठता है, अपना अखबार खोलता है, रात को थक हार के काम से वापस आता है, 15 मिनट के लिए टीवी लगाता है, वो उस मीडिया पे रिलाय करता है जो उसकी आँख उसके कान बने दुनिया में, समाज में। पर वो मीडिया हमें कैसे मैनिपुलेट करता है, उस एक सिंपल आदमी को कैसे मैनिपुलेट करता है, उसी तरह से इस इम्पोर्टेंट पिविटल मोमेंट। जिस तरह से ये तीसरे रिलीज हुआ, लोगों का लोगों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और बस बन गया ये देखने के लिए, क्योंकि स्टोरी है। और सर आपकी बात करें तो आप इन किरदारों में काफ़ी ज़्यादा पसंद आते लोगों को, और आपको ये प्ले करने में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे जिस तरह से हम लोगों को ने देखा है। तो आप लोग बताइए अभी तक किस तरह से रिस्पॉन्सेज मिले और आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड तो हैं, पर ये थोड़ी अलग किस्म की फिल्म है। ये कहीं ना कहीं एज अ स्टोरी टेलर, एज एन एक्टर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है। तो एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी है, पर उम्मीद ये है कि जैसे पहले भी लोगों ने मुझे पसंद किया है ऐसे किरदारों में, इस बार भी करेंगे। और लगभग एक साल बाद मेरी फिल्म आ रही है सिनेमाघरों में, सो आई एम एक्साइटेड कि लोग जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें। जी देखिए, मैं ऐड करना चाहूँगा, ये बोलना चाहेंगे, शी इज अ बिग फैन ऑफ। मैं अभी विक्रांत को यही बोल रही थी जब ये सॉन्ग लॉन्च हो रहा था और मैंने सुना था कि वो रिक्रिएट कर रहे हैं, कि 22 साल पहले हमें पीछे टाइम में ट्रैवल करवाया एक तरह, बिकॉज ये उस टाइम इतना पॉपुलर हुआ था। आई थिंक हर घर में उनके सीरियल सब देखते थे, मैं भी थी, मैं देखती थी बहुत सारे सीरियल एकता मैम के, और दिस वॉज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ट्यून्स, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी फिल्म में अब वो यूज़ हो रही है। यू नो इट्स लाइक एन आइकॉनिक सॉन्ग, एंड आप एक बार सुनते हैं तो आपका बार बार सुनने का मन करता है, ये वो बात। देखिए एक्टर्स को तो वैसे भी क्रिटिसाइज करते ही हैं, आई नो जर्नलिस्ट ऑल्सो प्रॉब्ली गो थ्रू द सेम थिंग, बट मेरी इज्जत जर्नलिस्ट के लिए बहुत बढ़ गई, क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी जो जॉब है वो अपनी जान से भी आगे रखते हैं। यू नो दैट जस्ट टू डिग द ट्रूथ आउट, जस्ट सो दैट दे कैन ब्रिंग दैट न्यूज़ टू द पीपल, वो अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। और ऐसे ही हम ऐसे जर्नलिस्ट हैं इस फिल्म में, जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा ना, आई होप दैट आपको हम पसंद आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जर्नलिज्म, सबसे पहले तो मेरा कॉलेज में मैं जर्नलिज्म ऑनर्स करना चाहती थी, पर मैंने साइकोलॉजी कर लिया, तो एक वो सपना पूरा हो गया एक जर्नलिस्ट प्ले करने का। बट मुझे जो सीख मिली है वो ये मिली है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और एक शब्द के आगे का पंचुएशन के पीछे का एवरीथिंग चेंजेस एवरीथिंग। सो ये समझ में आया है कि जर्नलिज्म इज़ अ हाईली रिस्पॉन्सिब, मतलब उसको एक बहुत सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर जर्नलिस्ट को वो काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है उसके बारे में, जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। सर, जैसे राशि ने भी स्टेज पे कहा था कि इसकी प्री प्रोडक्शन चली है लगभग 6 महीने। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहते हैं एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट। अब क्योंकि ये चीज़ 22 साल पहले हुई है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को एक क्लोजर मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कमेटियाँ बनी हैं,
तमाम वर्डिक्ट्स आ चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब का एक फैसला अब आ चुका है, तो फैक्ट्स आज हमारे सामने हैं। सो वो एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट ये रहा है कि तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रख के ये फिल्म बनाई गई है। 6 महीने जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी सच्चाई है जो आपके पास भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उन तमाम चीज़ों को रिसर्च करके ये कहानी लिखी गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, जैसे हम सब कह रहे हैं, एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और ख़ास तौर पे उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो उम्मीद यह है कि हर्ट ना हो, बल्कि हमारी तरफ से एक ये सिंसियर अटेम्प्ट है कि उन 59 लोगों को एक न्याय मिले, एक क्लोजर मिले इस कहानी के ज़रिए। तो वी आर होपफुल, वी आर रियली होपफुल। कोई एक और सवाल पूछ लीजिए अगर लास्ट क्वेश्चन है तो। ओके, आई थिंक मुझे सवाल फिर से सुनना है। ओके, प्रिपेयर। ओके, सो प्रिपेयर तो आप इसी तरह, आप ये नहीं सोच सकते कि किसी को हर्ट करें या नहीं करें, आपको एक ही चीज़ करनी है उसके बारे में कि आप कहानी ट्रूथ के साथ बताएं, चाहे वो कुछ भी ट्रूथ हो, चाहे वो ट्रूथ ग्रे हो या वो ट्रूथ ब्लैक हो या वाइट हो, लेकिन वो ट्रूथ में हो। सो खास तौर के मेरे कैरेक्टर के लिए आई थिंक मैं बिना कुछ कहे यही कहना चाहूँगी कि कहानी के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सो वो पर्सपेक्टिव्स को समझना और सही गलत का फिर एक क्लोजर देना या एक रिज़ल्ट देना कि सही गलत क्या है, उसके पहले पर्सपेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए। एंड आई थिंक उस पॉइंट से ये कहानी बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रेपरेशन तो यही होती है कि आप स्टोरी के साथ बने रहिए एंड रीड बिटवीन द लाइंस। आप अपने सह कलाकारों के साथ काम करिए, निर्देशक के साथ काम करिए जिन्होंने कहानी लिखी है, आप उनसे और सवाल पूछिए, क्योंकि एंड एज ही सेड द एडवांटेज ऑफ something that's already happened before, so you have facts and you have research, so it was driven by all those things. While doing this role as a reporter, what you felt like, what they must have gone, so how was your feeling by doing this role? Sir, aap vishwas nahi karenge ki kuch logon ko jab humne ye kahani batai, aur patrakar khaas taur pe, main bina naam liye aur wo bahut senior journalists hain, मोस्टली सबका ये कहना था कि ये मेरी कहानी है। जब हमने उनके साथ बैठ के चर्चा की इस फिल्म के बारे में, तो बहुत से ऐसे हमारे पत्रकार मित्र रहे जो उस वक्त जब ये घटना घटी थी वो ग्राउंड ज़ीरो पे थे, मेहनत कर रहे थे, वो काम करना चाह रहे थे, और ख़ास तौर पे जितने आपके रीजनल मीडिया के लोग हैं जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे होते हैं, जिनको आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ आउटसोर्स करती है काम, और अनफॉर्चुनेटली उनकी कहीं भी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती, जो दिल्ली मीडिया आज एक आपका एक एक पर्सपेक्टिव है, और ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडिया का, वो रीजनल वालों को इतनी इज्जत, इतनी स्पेस, इतना सम्मान नहीं मिलता है। तो जब मैंने ये रोल किया और जब मेरे को ये सुनने मिला अपने पत्रकार दोस्तों से कि ये लगभग उन सब की कहानी है, तो आई वॉज रियली टच्ड, आई वॉज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सर, जब आप भी ये फिल्म देखेंगे कहीं ना कहीं आपको या आपके मित्रों को भी ऐसा लगेगा ये आपकी कहानी है। सो इट इज़ अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले अ पार्ट लाइक दिस, टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, और उम्मीद ये है कि लोग पसंद तो करेंगे फिल्म को, पर इस प्रोफेशन को भी, और ख़ास तौर पर जैसे रीजनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उनको रिस्पेक्ट अकॉर्ड हो जो वो डिज़र्व करते हैं। I think seek the truth, because truths are dug deep and the truth hurts. Thank you.